अगर हम आने आदेश हुए थे ऊपर से 12 बजे रात को 12 तारीख को टोल फ्री करना है और हम सारे किसान इकट्ठे होकर टोल प्लाजे पर आए और ये टोल फ्री की किसान आगे आपकी रणनीति क्या रहेगी? रणनीति तो यही है कि जब तक हमारे जो ये आदेश वापस नहीं लिए जाते तब तक हम नहीं उतर जाएंगे, यहीं बैठेंगे। तो आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, आंदोलन चल रहेगा, चाहे 6 महीने चले, 7 चले, 2 साल चले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपका नाम? करणजीत। जाएंगे भैया, क्या आपने टोल फ्री क्यों करवाया है? ऐसा जी, हमारे ऊपर से आदेश हो गए थे जी, आज हमने रात को 12 बजे टोल फ्री करवाने हैं और 12 तारीख को टोल फ्री करवाने हैं, इसलिए हम 11:30 बजे यहाँ पहुँच गए थे और अपने साथियों के साथ और हमारे साथ पंजाब के युवा भी साथ मिलकर, और हमने पूरे 12 बजे यहाँ से गरौंडा स्कूल है वो हमने फ्री करवा दिया है और प्रशासन ने हमको कोई तंग नहीं किया, प्रशासन भी हमारे साथ कोई झगड़ा नहीं किया, हम प्रशासन के भी आभारी हैं और अपने पंजाब के साथी और हरियाणा के जो हमारे युवा साथी हैं, जाट भाई हैं, रोड भाई हैं, सब ने हमारा साथ दिया है, इनका भी हम आभारी हैं और किसान एकता जिंदाबाद है और हम ये 3 आदेश जो सरकार ने पास किए हैं ये हम तीनों। आगे आप कहाँ जा रहे हैं? ये जो तीनों देश है हम ये वापस करवा के रहेंगे, हम तभी तक अपने घर नहीं जाएंगे और लंगर वहीं दिल्ली सिंधु बॉर्डर पर चलेगा, वहाँ पर लंगर की कोई कमी नहीं है, काजू बादाम का भी लंगर चल रहा है और सभी प्रकार के लंगर चल रहे हैं, हमको किसी प्रकार 6 महीने का राशन भी साथ में लेके। आपका नाम? मैं गुरबेज सिंह, गांव बलोलपुर करनाल से।